नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका जूते और चप्पल की दुकान होता है, जिसको हम आप फुटवेयर के नाम से जानते हैं, जो हमारा फुटवेयर का शॉप होता है, उस शॉप में हम बिलिंग सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज करेंगे, उसमें हम कैसे परचेज करेंगे, उस परचेज करने के बाद उस प्रोडक्ट को हम कैसे सेल करेंगे, उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग देखते हैं कि फुटवेयर का जो शॉप होता है, जहां पे जो हमारा जूता, चप्पल, स्लीपर, ये सब इत्यादि जो सेल होते हैं, हम उसको कैसे अपने सॉफ्टवेयर में हम कैसे परचेज करेंगे माई बिलिंग पैड के सॉफ्टवेयर में, और परचेज करने के बाद उसको हम कैसे सेल करेंगे, और सेल करने के बाद उसका हम कैसे स्टॉक को मेंटेन करेंगे, उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग देखते हैं। यह सॉफ्टवेयर आप माई बिलिंग पैड का एकदम सरल सॉफ्टवेयर है, जिसको आप के पास कंप्यूटर नॉलेज अगर बहुत ही कम है या अननोन है, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, फिर भी इस सॉफ्टवेयर को आप चला सकते हैं और इन्वेंटरी को मैनेज कर सकते हैं, और साथ में अपने बिल को प्रिंट कर सकते हैं, बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने शॉप को कैसे मैनेजमेंट करेंगे इस सॉफ्टवेयर में, उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करते हैं, तो परचेज की एंट्री करने के लिए इसका हमारा शॉर्टकट की है F3। हम सबसे पहले हम यहां पर सप्लायर हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन से सप्लायर से हमारा सामान आया हुआ है। उस सप्लायर को सिलेक्ट करने के बाद उस सप्लायर ने में हमें कौन सा प्रोडक्ट हमें सामान दिया हुआ है। हम दो प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे परचेज में। यहां पर हम 10 की क्वांटिटी में अभी इसको हम परचेस कर रहे हैं। एक और प्रोडक्ट हम लेते हैं यहां से। इसको भी 10 की क्वांटिटी में हम परचेस कर रहे हैं। यहां पर दो प्रोडक्ट ऐड किया, एक बाटा सैंडल है और एक बाटा का शू है। यहां पर हम सेव बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो सेव हो गया। अब हम इसका स्टॉक देखते हैं, तो हम सबसे पहले शिफ्ट प्लस F1 बटन को प्रेस करते हैं और यहां पर सर्च बाई बारकोड है, यहां पे हमने सर्च किया तो क्वांटिटी हमारा 102 ये दिखा। इसके बाद दूसरा वाला जो बाटा शू है हमारा, उसका 107 की क्वांटिटी है, 102 और 107 है। फिर अभी हम बिल बना रहे हैं। बिल बनाने के लिए यहाँ पे दो टाइप से आप बिल बना सकते हैं। पहला है कैश बाय डिफॉल्ट होता है, दूसरा होता है कस्टमर के नाम पे। अगर आप उसको क्रेडिट वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर पे हमने लिखा, सेलेक्ट कर लिया कस्टमर को। अब प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं। यहां पर टोटल 180 रुपीज का प्रोडक्ट आया पेमेंट करने के लिए। डायनेमिक QR कोड के माध्यम से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे या तो फिर स्कैन पे जो भी होता है, तो आप यहां पे ऑनलाइन पेमेंट डायनेमिक पे QR कोड पे क्लिक करेंगे और इस QR कोड को अगर आप किसी पर भी स्कैन करेंगे तो डायनेमिक आपका 180 रुपीज का आपको अमाउंट का, जैसे गूगल पे को स्कैन करेंगे तो 180 रुपीज का बाय डिफॉल्ट अमाउंट में आ जाएगा पे करने के लिए। और यहां पर सेव F12 के माध्यम से जैसे ही आप सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके सामने ए प्रिंटआउट का ऑप्शन आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में आप 3 अलग अलग टाइप्स के आप प्रिंटर आप सपोर्ट किया जा सकता है, जिसमें आप लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आप प्रयोग कर सकते हैं।
जिसमें आप बारकोड जब आप निकालते हैं तो उसमें थर्मल का प्रयोग या लेजर का प्रयोग कर सकते हैं, बिल के लिए आप तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे लेजर हो, चाहे थर्मल हो और चाहे आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो। दोस्तों यह सॉफ्टवेयर में अगर आप रीप्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले गेट डाटा बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेट बिटवीन सर्च या बाई सर्च बाई इनवाइस नंबर, सर्च बाई कस्टमर का नेम, सर्च बाई सेल्समैन, सर्च बाई जो उस बिल में बारकोड एड है उसके बारकोड के बिहेवियर पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेट बिटवीन के रूप में सर्च किए, सबसे नीचे वाला जो अभी हमने सेल किया उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहां से आप रीप्रिंट या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप चला जाएगा, और प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो रीप्रिंट आ जाएगा। दोस्तों यह सॉफ्टवेयर एकदम सरल और आप इसको आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम आप यूजर फ्रेंडली के नाम से जानते हैं कि आप आसानी से सरल ढंग से इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको कुछ नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।